टीचर्स अड्डा पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. आई एम ऐश्वर्या पुरी, योर गाइड फॉर इंग्लिश लिटरेचर. एंड एज यू ऑल नो, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर टू ऑफ दीज वेरी इंपॉर्टेंट अपकमिंग एग्जाम्स. द फर्स्ट इज DSSSP TGT इंग्लिश एंड द अदर इज HSSC TGT इंग्लिश, है ना. तो इन दोनों के लिए जो रेलिवेंट रहेगी ये क्लास, आप दोनों के लिए ये देख सकते हैं. ओके, इन दोनों के ही TGTs के लिए हम इन क्लासेस को रेफर कर सकते हैं. बहुत एग्जाम ओरिएंटेड डायरेक्ट फॉर्म में मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगी. सो जस्ट गेट ऑन, यू नो, ऑन दिस वंडरफुल राइड. आप सब जानते हैं झारखंड की भी जो वैकेंसीज पहले वापस ले ली थी उनको अब वापस जो है री एडवर्टाइज कर दिया है. इंग्लिश में भी तकरीबन जो है 200+ पोस्ट एडवर्टाइज की गई हैं. तो उसके रिगार्डिंग भी जो हो सकता है हम आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना. चलिए, आज की जो क्लास है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम आज पर्टिकुलरली शेक्सपियर की पोएट्री वाले पोर्शन को जो है कवर करेंगे. शेक्सपियर इंडिया के किसी भी TGT PGT या फॉर दैट मैटर नेट एग्जाम, गेट एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है. और सिर्फ इनके ड्रामाज ही नहीं, ड्रामा की तो वैसे भी खास बात है कि ड्रामा से बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन जो उनकी पोएम्स और सोनेट्स हैं यहाँ से और ज़्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. मुझे बेस्ट बात क्या लगती है इस पोर्शन की, ये काफ़ी स्कोरिंग पोर्शन है. ड्रामा से हो सकता है कोई ऐसा कोटेशन आ जाए, कोई ऐसा पोर्शन से कोई ऐसा कमेंट आ जाए, कोई ऐसे कैरेक्टर के बारे में पूछ लें जो शायद आपने ना पढ़ा हो. लेकिन पोइट्री वाला पोर्शन आपका ऐसा है कि अगर आपने इसको एक बार कर लिया तो आप डेफिनेटली इसको कभी नहीं भूलोगे और आप इसमें मार्क्स उठाओगे ही उठाओगे. क्वेश्चन की रेंज भी लिमिटेड है, तो अब हम इसी तरीके से जो है इसको कवर करेंगे, ठीक है ना. तो चलिए शेक्सपियर के सोनेट्स और पोएम्स को करते हैं बिगिन. लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक, शेक्सपियर के सोनेट्स एंड पोएम. सो सबसे पहले तो याद रखना कि शेक्सपियर के लिए हम क्या क्या कवर कर रहे हैं आज की क्लास में. ये एक सॉर्ट ऑफ आपके लिए एक इंट्रो भी हो गया है, ठीक है ना. सो इंट्रो के तौर पर देखिए, सबसे पहले तो इनके 154 सोनेट्स, सबसे पहले तो इनके 154 जो है सोनेट्स हो गए, नंबर वन. नंबर टू, इनकी एक ये पोएम है अ लवर्स कंप्लेंट. अ लवर्स कंप्लेंट ये इनके सोनेट्स के साथ अटैच्ड आई थी. ये इनकी एक शॉर्ट नैरेटिव पोयम है, ठीक है ना. उसके बाद इनकी एक पोयम है द फीनिक्स एंड द टर्टल. दिस इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट मेटाफिजिकल पोयम इन इंग्लिश लिटरेचर. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव टू ऑफ हिज टू लॉन्ग नैरेटिव पोयम्स, टू लॉन्ग नैरेटिव पोयम्स. दे आर Venus and Adonis and the Rape of Lucrece. Now, Venus and Adonis is the first ever published work of Shakespeare, जो हमारे पास record में है. तो उसकी publication year है 1593. Venus and Adonis जो उनकी narrative poem है, it was published in the year 1593. Also, this is his first ever published work. जो second poem है narrative, the Rape of Lucrece, वो उनकी next famous next published work है. वो अगले साल published हो गया था 1594. ठीक है ना. उसी के साथ साथ जो इनके सोनेट्स हैं ये 1609 में पब्लिश हो गए थे, ठीक है. सोनेट 1609 में हुए थे, सोनेट्स के साथ ही अटैच थी अ लवर्स कंप्लेंट. याद रखिएगा जो फीनिक्स एंड द टर्टल है वो 1601 में पब्लिश हो गई थी, ठीक है. तो टीजीटी पीजीटी में तो बहुत ही कॉमन है आपसे पूछ लेना किसी भी चीज का ईयर. और इस बार तो खैर UGC नेट में भी ईयर्स पूछे गए हैं, तो थोड़ा ईयर्स पे हम लोग फोकस जो है बना के रखेंगे, ठीक है. सोनेट्स एंड पोएम्स ये सारा आपका है. इसके साथ साथ और क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके लिए इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले इनके जो सोनेट्स हैं वो टोटल थे 154. ये तो मैं कई बार आपके साथ पास में ऐसे घूमते फिरते भी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन टोटल आप एक बार चाहें तो इस स्लाइड का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. टोटल इसके अंदर जो है 154 सोनेट्स हैं, ठीक है. और सोनेट नंबर 1 to 126 ये एक फेयर यूथ को डेडिकेटेड है. किसको डेडिकेटेड है? फेयर यूथ को. और जो सोनेट नंबर 127 to 154 है जिसका टोटल नंबर बनता है 28, मैंने यहाँ पे भी लोगों को बहुत कंफ्यूज होते देखा है, ठीक है ना. तो ऐसा होता है कि 127 टू 154 रेंज है, इसमें नंबर ऑफ सोनेट्स 28 बने. 28 सोनेट्स प्लस 126 सोनेट्स इक्वल्स 154 सोनेट्स, है ना. तो कई लोग इस नंबर में हैं बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, एक सेकंड. तो जो ये लोग क्लास में करने क्या आते हैं मुझे समझ नहीं आता. मतलब
कोई कुछ भी चल रहा है क्लासेस में, इट्स जस्ट वेरी अनोइंग. एनीवे चलो, 28 सोनेट्स जो है ये आपके जो है लास्ट वाली रेंज के हैं. दे आर डेडिकेटेड टू अ डार्क लेडी, ठीक है. एंड जो 126 सोनेट्स हैं, फर्स्ट 126 सोनेट्स, दे आर डेडिकेटेड टू अ फेयर यूथ. नाउ दैट फेयर यूथ, वी डेफिनेटली हैव एन एस्टिमेट दैट इट वॉज नॉट अ फीमेल बिलावड, इट वॉज अ मेल बिलावड. और एक्चुअली हमारे पास हिस्टोरिकल रेकॉर्ड्स भी हैं जो कहते हैं कि शायद विलियम शेक्सपियर वॉज अ बायसेक्सुअल. ही वॉज मैरिड टू अ फीमेल बट देन ही ऑल्सो हैड यू नो सेक्सुअल रिलेशंस विद मेल. सो इट इज हाईली हाईली प्रोबेबल दैट ही वॉज अ बायसेक्सुअल. सो जो फर्स्ट 126 सोनेट्स इन्होंने लिखे हैं, इसमें जो फेयर यूथ है माना जाता है कि वो जो है विलियम हर्बर्ट ऑल ऑफ पेम्ब्रूक को डेडिकेटेड थे. और इनके साथ माना जाता है इनका होमोसेक्सुअल शायद रिलेशनशिप भी था. तो एक तो प्रोबेबल आंसर है ये कि ये जो डेडिकेशन है किसी मिस्टर WH को की हुई है. तो वन तो पॉसिबिलिटी इज दिस कि विलियम हर्बर्ट को ये डेडिकेटेड थे. दूसरा है कि WH को रिवर्स कर दो तो ये HW बनता है. इसको रिवर्स कर दो तो ये HW बनता है. ये आपके जो है हेनरी रिथॉसली अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, ये भी इनके काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे जिनको इन्होंने अपनी जो दो लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स हैं ये डेडिकेट की हैं. तो दूसरी प्रोबेबिलिटी है कि ये वो रहे होंगे. तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ को जो है हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ठीक है ना. सो ये भी याद रखना, कई लोग UP TGT PGT की किसी बुक में ये छपा हुआ था और उसको लेके स्टूडेंट्स को था, नहीं मैम लास्ट के जो दो सोनेट्स हैं, सोनेट नंबर 153 एंड 154, ये क्यूपिड को डेडिकेटेड है. वो क्यूपिड को डेडिकेटेड नहीं है, वो क्यूपिड उसमें फीचर करता है. मतलब जो सोनेट नंबर लास्ट के जो दो हैं 153 154, इसके अंदर एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर आता है. कौन सा कैरेक्टर है? क्यूपिड. क्यूपिड इज द ग्रीक गॉड ऑफ लव, ठीक है, जो लव कराता है, प्यार कराता है, ठीक है. हाँ जी, सो हाँ जी. सो कल नहीं कुसुम, कल क्लास नहीं हुई थी. कल मेरी जो हमारा दूसरा पेज खुला है ना TGT PGT, उस पर कल क्लास हुई थी. कल मैंने यहाँ पे अपनी क्लास नहीं ली थी, ठीक है. हाँ जी, तो क्यूपिड को डेडिकेटेड नहीं है, डेडिकेटेड वो अभी भी डार्क लेडी को ही है. बस ये है कि उन दोनों में जो है क्यूपिड फीचर कर रहा है, ये बस इतनी सी बात है. कोई ऐसा डेडिकेशन उसमें है नहीं. फीनिक्स एंड द टर्टल जो है वो हमारी फर्स्ट मेटाफिजिकल पोएम जो है कंसिडर की जाती है. मेटाफिजिकल याद रखिएगा, मेटाफिजिकल पोएट्स वर अ ग्रुप ऑफ पोएट्स दैट इमर्ज्ड इन द 17th सेंचुरी इन इंग्लैंड, ठीक है. तो वैसे भी जब मेटाफिजिकल पोएट्स 17th सेंचुरी में लिख रहे थे तब तक उनको पता भी नहीं था कि वो एक ऐसा ग्रुप है. उनको इस ग्रुप में डालने वाले 18th सेंचुरी पोएट क्रिटिक राइटर हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन. तो जब मेटाफिजिकल एग्जिस्ट करते थे उसके 100-150 साल बाद तो उनको एक ग्रुप में डाला गया है, ठीक है, उनके साथ ये नाम जोड़ा गया है. लेकिन उस ग्रुप के होने से भी पहले, उससे भी 50-60 साल पहले माना जाता है कि ये जो पोयम है इसके अंदर वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स हैं जो एक मेटाफिजिकल पोयम्स में होते हैं. सो दिस पोयम इज देन कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट मेटाफिजिकल पोयम, ठीक है. याद रखिएगा इस बात को, याद रखिएगा इस बात को कि कोई भी जो हमारी, और ये विक्की कुमार आप जरा दूसरे क्लास के स्टूडेंट से कोई बात ना करें, आपको कोई हक नहीं दिया किसी ने किसी दूसरे. आप अगर आए हैं क्लास में तो चुपचाप बैठ के अपनी क्लास देखें, आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछें, किसी दूसरे स्टूडेंट को जो है आप कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है. आज आई थिंक बदतमीज़ लोग क्लास में ज़्यादा घुसे हुए हैं, आज बदतमीज़ी ज़्यादा चल रही है क्लास में, पढ़ने वाले कम है. मेरे को कुछ नहीं, मैं तो सबको टाइम आउट में डालती रहूँगी, 15-15 मिनट ये लोग क्लास से बाहर रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है. हाँ जी, अतुल्य दिस इज़ अ क्लास फॉर HSSC एंड DSSP TGT इंग्लिश, ओके. हाँ जी, सो चलो आप लोग भी अपना फोकस मत हटाओ, एक सेकेंड. Just give me a minute, please.
हाँ जी सॉरी कंटिन्यू करते हैं. सो मेटाफिजिकल जो ट्रेड्स हो सकते थे एक पोयम में, एलिगोरिकल है, उसके अंदर आप जो भी अपना आइडिया कन्वे करने की कोशिश कर रहे हो उस आइडिया को डायरेक्टली ना करते हुए आपने फारफेच्ड मेटाफर्स का यूज़ किया है, वो सारे ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस पोयम में आपको देखने को मिल जाएंगे. इसलिए इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट मेटाफिजिकल पोयम इन इंग्लिश लिटरेचर. गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू द क्लास. ठीक है, तो ये मैंने एक ही स्लाइड में आपको बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए हैं. ये एक स्लाइड में मैंने आपको 10-12 क्वेश्चन के पॉइंट्स बनवा दिए हैं. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ठीक है, अब हम एक एक करके सारी पोएम्स को जो है देखना शुरू करेंगे. द फर्स्ट वन इज द फीनिक्स एंड द टर्टल. द फीनिक्स एंड द टर्टल जो पोयम है, इसमें पहले बात तो याद रखो, टर्टल जो है डजंट स्टैंड फॉर द एम्फीबियन टर्टल, इट स्टैंड फॉर अ बर्ड कॉल्ड टर्टल डव. सो ये दो बर्ड्स हैं जिनके बीच का जो लव है इट इज बिकम द सिंबल ऑफ इटर्नल लव, ट्रू लव इन दिस वर्ल्ड. और इन दोनों की डेथ हो जाने की वजह से अब हम ये क्या चीज, इनकी डेथ क्या सिंबलाइज कर रही है, इनकी फिजिकल डेथ सिंबलाइज कर रही है द डेथ ऑफ ट्रू लव इन द एलिगोरिकल वर्ल्ड, इन द सिंबॉलिक वर्ल्ड. ठीक है, तो इनकी डेथ जो है वो ट्रू लव के एंड को सिंबलाइज कर रही है इन द वर्ल्ड. तो इनकी जो डेथ है उसको मोन करने के लिए बहुत सारे और बर्ड्स और एनिमल्स इकट्ठे हुए हैं. वो एक प्रोसेशन लेके चलेंगे, ठीक है, जैसे कि एक जलसा, एक शोक सभा जो है वो यहाँ पे निकालेंगे और इन दोनों की जो है डेथ है उसको जो है मोन करेंगे. ये इस पोयम में दिखाया है, क्योंकि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाने हैं उनको दिखाने के लिए हमने एनिमल्स को यूज किया है, इसलिए ये पोयम जो है ये बीस्ट इमेजरी के जॉनरा में लिखी गई है. इस पोयम के अंदर बीस्ट इमेजरी को यूज किया गया है. ठीक है ना, एंड याद रखना ये पोयम का जो एक कैटेगरी है इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अ थ्रेनेडी. अ थ्रेनेडी इज समवॉट लाइक एन एलिजी बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम द एलिजी इन द वे दैट इन एन एलिजी यू लेमेंट द लॉस ऑफ समबडी बट देन देर इज ऑल्सो फिलोसॉफिकल मेडिटेशन एंड म्यूजिंग एंड कंटेम्पलेशन एंड बाई द एंड ऑफ इट यू मेक पीस विद देयर डेथ. द पोएम एंड्स ऑन एन ऑप्टिमिस्टिक नोट. थ्रेनेडी इज नॉट लाइक दैट. थ्रेनेडी येस इज रिटन ऑन द ओकेजन ऑफ समबडीज डेथ बट यू आर नॉट हैप्पी अबाउट इट टिल द वेरी लास्ट. यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट देयर डेथ. नाइदर इज देयर एनी काइंड ऑफ यू नो म्यूजिंग्स और वट एवर. ठीक है ना, सो ऑल ऑफ दैट यू सी हियर. ठीक है, ऑल ऑफ दैट द लिमिटेशन द म्यूजिंग्स वट एवर. ठीक है ना, ये जो है थ्रेनिटी में प्योर लेवल पे हो रही है. आप बेसिकली किसी भी तरीके से पीस पे नहीं आ पा रहे हो किसी की डेथ के साथ, वो थ्रेनिटी होती है, प्योर लिमिटेशन. ठीक है ना, ये जो पोएम है इट वॉज पब्लिश अलॉन्ग विद रॉबर्ट चेस्टर्स लव्स मार्टियर. ठीक है, खुद से पब्लिश नहीं हुई थी, 1601 में किसी और पोएम के साथ एडिशनली जो है इसको पब्लिश किया गया था. तो ये है द फीनिक्स एंड द टर्टल. इस पोयम का हल्का सा हम समरी देख लेते हैं. सो जो पोयम है इट हैज बीन यू नो ओकेजन्ड अराउंड अ फ्यूनरल. ये दोनों जो डेड एनिमल्स हैं इनके लिए एक फ्यूनरल सर्विस जो है रखी गई है और वहां पे बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो गैदर हुए हैं इन दोनों को अपनी लास्ट रिस्पेक्ट पे करने के लिए. ठीक है, इनका जो लव है वो आइडियल काइंड का था, तो इन दोनों की जो डेथ है इट सिंबलाइजेस, सिंबॉलिक पोयम है ना, सिंबलाइज कर रही है द एंड ऑफ ट्रू लव इन दिस वर्ल्ड. द पोयम एंड्स विद अ प्रेयर फॉर द टू लवर्स. तो ये एंडिंग वाले क्वेश्चंस भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लिटरेचर के क्वेश्चन से, कि ये जो है पोयम की एंडिंग में एक प्रेयर सर्विस कंडक्ट होती है इन दोनों को याद करते हुए. ठीक है ना, सो दिस इज हाउ द पोयम बेसिकली एंड्स. द नेक्स्ट पोयम दैट वी हैव हियर इज वीनस एंड एडनिस. वीनस एंड एडनिस लाइक आई सेड 1593 में पब्लिश हुई है. 1593 में पब्लिश्ड है. इट इज द फर्स्ट नोन पब्लिश्ड वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर. विलियम शेक्सपियर का अब तक का हिस्ट्री का जो पहला पब्लिश्ड वर्क है वो वीनस एंड एडनिस को माना जाता है. वीनस एंड एडनिस जो स्टोरी है वो कोई नई स्टोरी नहीं है, ये हमारी जो है रोमन माइथोलॉजी से उठाई हुई स्टोरी है. रोमन माइथोलॉजिकल स्टोरी है, कोई नई स्टोरी नहीं है सच. ठीक है, और इसका जो सोर्स है वो लिया गया है अविड के मेटामॉर्फोसिस से. ठीक है, अविड के मेटामॉर्फोसिस इज अ कलेक्शन ऑफ 250 टेल्स.
250 टेल्स की एक कलेक्शन है, उसमें से ये स्टोरी को जो है उठाया गया है. ये जो पोयम है इसको लिखा गया है इन द फॉर्म ऑफ अ वेरी, जो इसके स्टैंजाज हैं वो वेरी क्लियर कट और डिस्टिंक्ट और क्लियर वे में सेस्टा रीमा में लिखे गए हैं. सेस्टा वर्ड जहाँ पे भी आ गया याद रखना आपने सिक्स मान लेना है, ठीक है. सेस्टेट अगर मैं बोलूं तो एनी स्टैंजा विद सिक्स लाइंस इज अ सेस्टेट. सेस्टा रीमा मतलब कि आप जो है सिक्स लाइंस का स्टैंजा है आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा हुआ, उसको जो है हम लोग सेस्टा रीमा बुलाते हैं. सेस्टा रीमा की राइम स्कीम भी आपको लर्न रखनी है क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है. तो सेस्टा रीमा की राइम स्कीम है ए बी ए बी सी सी. सेस्टा रीमा की राइम स्कीम है ए बी ए बी सी सी. अब हम क्लास क्लास में ही जो इन चीज़ों को लर्न कर लिया करेंगे. कोशिश करना कि क्लास के बाहर इसको सिर्फ रिवाइज करो जितना पोर्शन क्लास में मैंने दिया है. वैसे भी मैं कोई फालतू की कहानियां नहीं दूंगी आपको, जहाँ पे समरी करनी है ठीक है वहाँ करनी है, बट ये जो फैक्ट्स हैं ये मैं आपको एज इट इज क्लास में दूंगी जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे आपके, ठीक है. इनको क्लास में कर लो ना, बाहर क्यों टाइम क्यों वेस्ट करना है इस पर अलग से. तो टोटल इसमें 6 लाइनों वाला जो है स्टैंजाज हैं, टोटल 199 स्टैंजाज हैं. तो कितनी लाइंस हो गई, 1194 लाइंस आपकी इस पोयम में जो है हो गई है. पोयम जो है इट टॉक्स अबाउट द डेंजर्स ऑफ लव बिटवीन अ मॉर्टल एंड एन इमॉर्टल. पोयम की मेजर थीम क्या है, डेंजर ऑफ लव बिटवीन अ मॉर्टल एंड एन इमॉर्टल, ठीक है. एक मॉर्टल और एक इमॉर्टल के बीच के प्यार क्या का डेंजर क्या हो सकता है, ठीक है. हाउ डेंजरस इट कुड बी. हां जी चलिए. सो इस पोयम में जो वीनस है, वीनस इज द रोमन माइथोलॉजिकल गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी, ठीक है. शी हरसेल्फ सिंबलाइजेस एम्बॉडीज ब्यूटी ब्यूटी एंड लव in this world, mortal and immortal. Adonis is a very handsome young man, जिसका poem में एक ही obsession दिखाया है of hunting. So he's obsessed with hunting. He only wants to go for hunting. ठीक है ना. Venus जो है ऊपर से heaven से Adonis को देखती है और उनको जो है Adonis से पहली नज़र का प्यार हो जाता है, ठीक है. So love at first sight with Adonis. So वो specially heaven से नीचे अर्थ पे आती है Adonis को अपना love express करने के लिए. But Adonis is just not concerned. वो बिल्कुल भाव नहीं देता. उसको तो इतना फर्क भी नहीं पड़ रहा है कि एक अप एक एक मतलब goddess जो है आसमान से उतर के यहाँ पे मेरे लिए आ गई है. He doesn't give a single damn. तो वो बिल्कुल इंटरेस्ट शो नहीं करेगा. वो बोलेगा ठीक है बाकी सब तो ठीक है पर मुझे अपनी हंटिंग पे जाने दो. तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है उसको कन्विंस करने की कोशिश करती है. शी आस्क फॉर अ किस एंड व्हाटएवर, बट देन वो उसको जो है बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देगा. सो वन नाइट व्हाट हैपेंस इज दैट, वो अपना घोड़ा लेके वहाँ से इवेंचुअली जो है वहाँ से भाग जाएगा. वन डे व्हाट हैपेंस इज दैट, वो उसको अगले दिन मिलना चाहेगी. वो उसको बोलेगी ठीक है आज तुमने मेरे साथ थोड़ा सा ही टाइम स्पेंड किया है, कल तुम्हें मेरे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना है तो मैं तुमसे कल भी मिलना चाहती हूँ. कहता नहीं 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 मैं तो कल नहीं मिल सकता, कल तो मैं एक वाइल्ड बोर के हंटिंग के लिए जाऊंगा. ये कई जगह अलग अलग फॉर्म्स में ये क्वेश्चन पूछा गया, किसकी हंटिंग में जाना चाहता था वो, वाइल्ड बोर. तो बोर होता है पिग, ठीक है. तो जंगली सुअर कहते हैं जिसको, वो उसकी हंटिंग के लिए जाना चाहता था. तो वो कहता नहीं 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 मैं नहीं मिल सकता तुमसे, मेरे को तो कल जो है हंटिंग पे जाना है. तो उस रात वीनस को ये सपना आता है कि अगर ये कल हंटिंग पे गया तो ये इसकी डेथ हो जाएगी उस हंट पे. तो वो जो है उसको बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करती है कि देखो कल तुम्हारी जान को खतरा है, तुम वहाँ मत जाना. लेकिन बार बार मना करने के बावजूद भी एडनिस जो है वो अपनी बात पे अड़ा रहेगा. अड़ियल लड़का है, ठीक है, जिद्दी है, स्टबन है, और वो अगले दिन जो है वहाँ चला जाएगा. वीनस को फिर जो है एडनिस के जो डॉग्स हैं हंटिंग डॉग्स, उनकी बहुत तेज बाक करने की आवाज़ आएगी. एंड दैट इज व्हेन शी विल रियलाइज कि कुछ तो जो है यहाँ पे हो गया है. सो शी हैज द क्राइज ऑफ द हंटिंग डॉग्स एंड शी स्टार्ट्स लुकिंग फॉर एडनिस, ठीक है ना. सो ये करते हुए जो है वो जंगल में घूमेगी एंड शी विल सी एडनिस देयर. और वो वहाँ पे जो है उसकी डेड बॉडी लेटी हुई है, उसका जो है खून वहाँ पे बह रहा है. तो वो यहाँ से बहुत फेमस एक कोट भी निकलता है दैट शी लव्ड येट शी इज नॉट लव्ड. She is loved, she loved and yet she is not loved.
ठीक है, मतलब वो खुद जो है प्यार है। अरे यार, हाँ जी, सो शी इज लव, शी लव्ड एंड येट शी इज नॉट लव, समथिंग अ कोट लाइक दिस, नॉट एग्जैक्टली आई थिंक, एक आधा वर्ड ऊपर नीचे होगा, बट समथिंग लाइक दिस विच सेज कि शी हरसेल्फ एम्बॉडीज लव एंड शी लव्ड समबडी बट शी वाज नेवर लव्ड बैक, सो द कोट इट स्टैंड्स फॉर वीनस। सो वो जो है एडोनिस को अपनी आर्म्स में लेगी और वो पूरे वर्ल्ड में फिर कर्स कर देगी फॉर एवर, कि अब के बाद जो है अगर दुनिया में कोई भी इंसान जो है वो कभी भी किसी से प्यार करेगा तो उस प्यार के साथ हमेशा ग्रीफ, पेन, मिजरी, जेलसी जैसी फीलिंग्स जो है वो यहाँ पे जुड़ी रहेंगी। ठीक है ना, तो ऐसे करके पोएम एंड होती है। और ये जरूर याद रखना कि एडनिस के ब्लड से वहां पे जो व्हाइट कलर के फ्लावर्स हैं वो पर्पल कलर के हो जाएंगे, पर्पल कलर के हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ द पोएम बेसिकली एंड्स। ओके, नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज रेप ऑफ लुक्रीस। द रेप ऑफ लुक्रीस वॉज पब्लिश इन द ईयर, वेरी नेक्स्ट ईयर टू वीनस एंड एडोनिस, 1594 में। इसमें जो है टोटल 265 स्टैंजास हैं। ये जो पोयम है इट हैज बीन डेडिकेटेड टू हेनरी रिथॉसली द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। इस पोयम के इनिशियल प्रीफेस में ये डेडिकेट करते हैं इस किसको, द लव आई डेडिकेट टू योर लॉर्डशिप इज विदाउट एंड, द लव आई डेडिकेट टू योर लॉर्डशिप इज विदाउट एंड। ठीक है ना, सो इस तरीके से जो है वो पोयम के बिगिनिंग में डेडिकेशन देते हैं हेनरी रिथॉसली को। एंड ये जो पोयम है ये राइम रॉयल में लिखी गई है। राइम रॉयल एक स्टैंजा फॉर्म है जिसको इन्वेंट करने वाले थे चौसर, चौसर ने जो है इस फॉर्म को इन्वेंट किया था। ये एक सेवन स्टैंजा का की जो है लाइन होती है, सेवन स्टैंजा की जो है लाइन होती है। हाँ जी, सेवन स्टैंजास की जो है ये लाइन होती है एंड सेवन स्टैंजास में इसके सॉरी सेवन लाइंस का स्टैंजा होता है। राइम स्कीम है इसकी ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी, ये इसकी जो है यहाँ पे राइम स्कीम आपकी बनती है। ठीक है ना, सो द रेप ऑफ लुक्रीस जो है वो इस सेवन स्टैंजा वाली पोयम है, सेवन लाइन वाले स्टैंजा में लिखी गई है। जो आपकी दूसरी पोयम मैंने आपको बताई है फर्स्ट वाली, वो सिक्स लाइन वाले स्टैंजा में जो है लिखी गई है। ठीक है ना, सो इसमें जो है सेवन लाइन वाला स्टैंजा है, आइम्बिक पेंटामीटर ही है। 265 स्टैंजाज हैं टोटल, 265 इंटू सेवन, इसके अंदर टोटल 1855 लाइंस हैं। ये जो पोयम है ये एपिक पोयम के स्टैंडर्ड की तरह इन मीडिया रेस शुरू होती है। इन मीडिया रेस मतलब इन द मिडल, ये पोयम जो है इन द मिडल जो है बेसिकली शुरू होती है। पोयम की जो सेटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, रट्टे वाला पोर्शन है सारा, कुछ समझने वाला है नहीं, डायरेक्ट रट्टा मारो। पोयम की जो सेटिंग है वो है रोम, आर्डिया एंड कोलाटियम, ये तीन लोकेशंस की जो है सेटिंग है। ठीक है ना, और इसके अंदर जो है आपके पास आ जाएंगे, जो स्टोरी है बेसिकली वो ट्रोजन वॉर की है, ट्रोजन वॉर की है। ठीक है, ट्रोजन वॉर की स्टोरी है और उसके ये सोल्जर्स हैं, तो उनकी एक स्टोरी जो है निकाल के यहाँ पे डाली हुई है। दो रोमन सोल्जर्स हैं, एक दूसरे के फ्रेंड हैं, ट्रोजन वॉर में है। ठीक है ना, ग्रीक साइड से टार्क्विन एंड कोलाटिन, टार्क्विन और कोलाटिन जो है एक दूसरे के साथ कॉन्वर्जेशन में है। जब कोलाटिन ये मैंशन करता है कि उसकी वाइफ जो लुक्रीस है शी इज अ वेरी ब्यूटिफुल एंड अ वेरी वेरी वर्चुअस वुमन, सो ये सुन के टार्क्विन के मन में एक क्यूरियोसिटी आ जाती है कि यार इतनी कितनी सुंदर है वो। तो वो चुपके से, ठीक है, उसकी जो वाइफ है लुक्रीस उससे मिलने उसके घर पे चला जाता है। तो पहले तो लुक्रीस उसको घर पे एंट्री नहीं देती, लेकिन जब वो बताता है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड का फ्रेंड हूँ, मैं उसके साथ वॉर फ्रंट पे हूँ, तो
तो वो उसकी बातों में विश्वास करके उसको अपने घर पे जो है आने देती है. तो देन दे विल हैव अ कॉन्वर्जेशन. टार्क्विन रात तक वहाँ बैठा रहेगा. तो उसके बाद टार्क्विन बोलेगा कि अब तो बहुत लेट हो गया है. सो आउट ऑफ कर्टसी लुक्रीस उसको बोलेगी, नहीं नहीं आप आज रात जो है घर पे रुक जाओ, यू आर माई गेस्ट सो प्लीज डोंट गो आउट सो लेट, आप आज रात जो है घर पे रुक जाओ. सो ही विल स्पेंड द नाइट एट लुक्रीस एंड कोलाटिन्स हाउस. Now that night what will happen is that his lust will go out of control and he will end up, you know, raping Lucrece. Lucrece जो है इस बात का गुस्सा और इस बात का मतलब एक जो disrespect हुआ है उसके साथ वो उससे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, ठीक है ना, and she will basically kill herself. ये बात जैसे ही Colleton को पता लगती है तो Colleton को भी बहुत गुस्सा आता है. तो first of all he is immersed in a lot of grief. वो ये सोचेगा कि मैं खुद अपने आप को भी मार देता हूँ. But then he will remember कि you know he will have to avenge the death of his dear wife. So what he will do is that he will go to his own house and he will find Tarquin. Tarquin की पूरी पूरी family को जो है इनकी society से banish कर देंगे, ठीक है, बेदखल कर देंगे, इनको society से बाहर निकाल देंगे. And then from there on जो Lucrece की body है उसको एक martyr की तरह, ठीक है, एक शहीद की तरह पूरी गली से जो है एक शोक सभा जो है उसके नाम की निकलेगी, उसकी virtue को celebrate करते हुए. And this is how the poem basically ends, ठीक है ना, this is how the poem basically ends. हाँ जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव दिस पोएम कॉल्ड द पैशनेट पिलग्रिम. पैशनेट पिलग्रिम एक्चुअली जो है कलेक्शन है पोएम्स की, ये एक सिंगल पोएम नहीं है. 1598 में पब्लिश्ड एक कलेक्शन थी पोएम्स की जिसके अंदर जो है कुछ पोएम्स मेंशन थी. टोटल जो है इसके अंदर फाइव पोएम्स जो है वो डेडिकेट की थी शेक्सपियर ने. फाइव पोएम्स जो टोटल है वो शेक्सपियर ने डेडिकेट की थी. तो वो जनरली अभी तक मैंने इस पर कोई क्वेश्चन अलग से देखा नहीं है, बस इतनी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए काफ़ी रहेगी कि पांच जो है उसमें पोएम्स हैं और वो शेक्सपियर की डेडिकेटेड है, बाकी जो है और अलग राइटर्स की पोएम्स जो है इसमें दी गई हैं, ठीक है. सो आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द टुडेज क्लास. शेक्सपियर की पोएम्स और सॉनेट्स को जो है हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, ठीक है ना. तो यहाँ पे जो है मैं आज के सेशन को एंड करती हूँ, ठीक है. इसी के साथ साथ आप लोगों को बता दूँ कि मेरा DSSSB और HSSC इंग्लिश का बैच जो है इस वक्त लाइव है. ये दोनों ही बैचेस चल रहे हैं, आपको दोनों में ही लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी. अगर आपके पास महापैक था तो आपको फिर से इसमें एनरोल करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में क्लास मिलेगी. अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो प्लीज़ आप कर लें, बिकॉज जितना आप डिले करेंगे उतना आपको ही नुकसान है. DSSSB का सिलेबस बहुत है और HSSC की डेट आ गई है. आइदर वेज आई थिंक यू हैव टू मेक श्योर दैट यू रियली फास्ट फॉरवर्ड योर प्रिपरेशन हियर, ठीक है. दोनों ही जो कोर्सेज हैं MRP है 10,000 का, पर आप मेरा डिस्काउंट कूपन कोड लगा लेना Y542, उसके बाद जो ये कोर्स है आपको बहुत सस्ते 21-22 सौ रुपए के मिल जाएंगे, वेरी अफोर्डेबल. बैच में एनरोल करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है. उस एप्लीकेशन उस लिंक पे क्लिक करो. सबसे पहले तो जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करो. जिसने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो खुद का. क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास जो है ऑप्शन है ये कि वंस यू बिकम द फर्स्ट टाइम डाउनलोडर ऑफ आर एप्लीकेशन आपको 5,000 एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं. मतलब Y542 कोड लगा के जो डिस्काउंट मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, इसी के साथ साथ आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा. तो ये सारा बेनिफिट जो है आपको मिलता है. एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करो, ठीक है. एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही ना आपके पास इस तरीके से हमारा जो है मेन पेज खुलेगा. इसमें टॉप पे ऑल कोर्सेज में टीचिंग सेक्शन में जाना. मान लो आपने HSSC TGT पे क्लिक किया, ठीक है. HSSC TGT इंग्लिश का मेरा ये बैच आपको यहीं पे दिख जाएगा, ठीक है ना. 6 महीने की वैलिडिटी है, 10,000 का बैच है ये. कोड मैं दिखा देती हूँ कैसे लगाना है. कोड लगा लेना Y542. उसके बाद आप देख रहे हो वेबसाइट पे तो सिर्फ 77% का डिस्काउंट है, तब भी ये कोर्स जो है 2300 का मिल रहा है. एप्लीकेशन पे जो है आपको ये कोर्स मिलेगा आई थिंक 2100 रुपये समथिंग, 2100-2200 समथिंग है, क्योंकि वहाँ पे डिस्काउंट ज़्यादा है. अच्छा, कॉइन्स यूज़ कर लोगे तो एडिशनल डिस्काउंट तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा. तो अभी तक क्या सोच रहे हो, फटाफट से जाके जो है बैच ज्वाइन कर लो. अगर करना चाहते हो तो, नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, यूट्यूब पे भी जो है मैं काफ़ी कुछ जो है कवर करा दूंगी. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच एवरीबडी, हैव अ वेरी गुड डे. कल मैं आप लोगों से मिलूंगी सेम टाइम सेम प्लेस HSSC TGT और DSSSB TGT को कवर कराते हुए. गुड डे, थैंक यू सो मच.